हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं जिनका हमारी भारतीय चित्रकला और संस्कृति में एक विशेष स्थान रहा है। हालांकि कई बार उनको विवादों पे भी घिरा रहना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा हमारी चित्रकला को दिया गया योगदान हम नहीं भुला सकते। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। मैं बात करने वाला हूँ MF हुसैन यानी कि मकबूल फिदा हुसैन के बारे में। उनकी पेंटिंग विश्वभर में करोड़ों रुपये में बिकती है। हालांकि मकबूल फिदा हुसैन का जीवन विवादों से भरा रहा। उन पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदी देवताओं की तस्वीरों का मजाक बनाने जैसे इल्जाम शामिल हैं। कई हिंदू संगठनों का कहना था कि मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रों के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। MF हुसैन एक चित्रकार ही नहीं थे, उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। वर्ष 1967 में उन्होंने थ्रो द आई ऑफ पेंटर फिल्म बनाई। उसके बाद 2004 में आई फिल्म मीनाक्षी में भी उन्होंने निर्देशन किया। वर्ष 2004 में आई फिल्म मीनाक्षी और टेल ऑफ थ्री सिटीज़ को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। अगर हम मकबूल फिदा हुसैन की जीवनी के बारे में बात करें तो उनका पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन उर्फ MF हुसैन। उनका जन्म 17 सितंबर 1915 पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था फिदा हुसैन और उनकी माता का नाम था जुनैब हुसैन। उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो चित्रकारी, फिल्म निर्देशन और रेखा चित्रण तक उनका सीमित रहा। उनकी जो मृत्यु हुई अभी 9 जून 2011 में लंदन में हुई। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे महान जो सम्मान हैं वो भारत के द्वारा दिए गए। MF हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर इलाके में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जब वे वात्सल्य में थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। बचपन में जब हुसैन साहब स्कूल जाते थे तब वहां उन्हें सुलेख और रेखा चित्रों का ज्ञान मिला। यहीं से उन्होंने चित्रकला की ओर आकर्षित हुए। कुछ सालों बाद उनके पिता का तबादला इंदौर हो गया यानी कि ट्रांसफ़र, और इंदौर में हुसैन साहब की प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद हुसैन साहब आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान हुसैन साहब को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस समय मुंबई में काफ़ी महंगा शहर हुआ करता था, इसलिए हुसैन साहब कुछ पैसे कमाने के लिए फिल्मों का पोस्टर बना लिया करते थे। इस दौरान उनकी चित्रकला में काफ़ी निखार आया, लेकिन पैसों की किल्लत के चलते हुसैन साहब ने खिलौनों की फैक्ट्री में भी काम किया। वहाँ से उन्हें अच्छा खासा पैसा तो नहीं लेकिन उनका खर्च निकलने लायक पैसा मिल जाता था। अब अगर हम MF हुसैन साहब के कैरियर के बारे में बात करें तो मुंबई में पढ़ाई पूरी करने के बाद हुसैन साहब काफ़ी समय तक पेंटिंग बनाते रहे और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहे। हुसैन साहब को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिली 1974 के दशक में अंत में, जब उन्होंने हुसैन साहब ने पेंटिंग बनाने का काफ़ी पारंगत हो चुके थे। सन 1947 में हुसैन साहब को प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में मेंबरशिप मिली। वे हमेशा से समाज और परंपराओं के बंधनों को तोड़कर कुछ अलग करना चाहते थे और उनकी इसी चाह ने उन्हें दुनिया का एक बेहतर पेंटर बनने में मदद की। वर्ष 1952 में उनकी पहली बार उनकी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हुसैन साहब की चित्रकारी को काफ़ी सराहना मिली। इस प्रदर्शनी के बाद पूरे यूरोप में हुसैन साहब की चर्चा होने लगी। वर्ष 1967 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म थ्रू द आई ऑफ पेंटर का निर्देशन किया। इस फिल्म को बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन वियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा उन्होंने वर्ष 2000 में गजगामनी और 2004 में मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्में बनाई। वर्ष 1971 तक MF हुसैन का ओहदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार के रूप में काफ़ी बढ़ चुका था। इस बात का पता इस घटना चलता है कि जब साओ पाब्लो समारोह हुआ, इस समारोह में बड़े बड़े चित्रकार और कलाकारों को बुलाया जाता है। इस समारोह में हुसैन साहब को पाब्लो पिकासो के साथ विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया था। वह लगातार चित्रकला के क्षेत्र में कार्य करते रहे, उनकी यही लगन और मेहनत रंग लाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकन डॉलर में बिकी। अब हम बात करेंगे MF हुसैन साहब की कॉन्ट्रोवर्सियल या विवादित जीवन के बारे में। MF हुसैन का जीवन कई तरह के विवादों से भरपूर रहा। इस सब विवादों के लिए हुसैन साहब स्वयं जिम्मेदार थे। इन विवादों की मुख्य वजह हिंदू देवी देवताओं की पारंपरिक तस्वीरों से छेड़खानी और असभ्य ढंग से पेश करना था। जब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग को प्रदर्शित करने लगा तब कई हिंदू धर्म संगठनों में हड़कंप मच गया।
उनके विरोध में भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। एमा हुसैन के खिलाफ सैकड़ों केस दर्ज किए। सूत्रों की माने तो बताया जाता है कि उनके घर पर एक दो बार पत्थरों से हमला भी हुआ। अंत में सामाजिक तत्वों से आहत होकर हुसैन साहब लंदन में रहने लगे। वर्ष 2010 के कतर में उन्हें नागरिकता देने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। उन्होंने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने अंतिम दिनों में कतर और लंदन में रहे। अब एमएफ हुसैन की कुछ पर्सनल अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बात करें, एमएफ हुसैन साहब का पर्सनल जीवन जितना विवादित रहा, व्यक्तिगत जीवन में भी उनकी जो सफलता है वो उतनी ही रही। उन्होंने सन 1941 में फाजिला नामक महिला से निकाह किया। इस विवाह से उन्हें 3 पुत्र हुए और 2 पुत्रियाँ हुई। एमएफ हुसैन साहब की अगर हम अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो एमएफ हुसैन साहब ने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियाँ हासिल की। इसके लिए उन्हें विभिन्न सम्मानों से समय समय पर सम्मानित किया गया। अगर उनकी मुख्य सम्मानों की बात करें तो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप में मेंबरशिप उन्हें 1944 के दौरान मिली। 1955 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1967 में गोल्डन वेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से और 1991 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अंततः 2007 में उन्हें राजा रवि वर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एमएम हुसैन अपने जीवन काल में अनेक सराहनीय कार्य किए। ज़्यादातर उनका जीवन विवादित रहा। हुसैन साहब अंतिम समय में लंदन में थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में 9 जून 2011 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी इस कलाकार के बारे में कुछ विशेष बातें जो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और भी कलाकारों के बारे में और भी ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ विशेष बातें आपके सामने रखूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने सजेशन देकर बताइए कि किस शख्सियत के बारे में मुझे बात करनी चाहिए।